तो दोस्तों ये हमारी ट्रेन हो रही है रवाना हमें छोड़ के, और मडगांव नेक्स्ट स्टेशन था, अब ये नेक्स्ट स्टेशन पे जा रही है और हम उतर गए करमली, बिकॉज ट्रेन के अंदर ही जो हमारे साथ में बैठने वाले यात्री थे, तो ऑब्वियसली आप ट्रेन में जाते हो तो आपकी दोस्ती तो हो ही जाती है। तो ट्रेन में हमें कुछ ऐसे लोकल्स मिल गए थे, एक लोकल्स मिल गए थे जो कि यहीं पे पले बड़े हैं, और एक और भाई मिल गए थे वो जींद हरियाणा से थे, अशोक, तो उनकी यहाँ पे 6 साल से पोस्टिंग है उनके डिपार्टमेंट में, जिस भी डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं। तो उन्होंने बताया करमली है, करमली स्टेशन यहाँ पे, तो यहाँ पे उतरना आपके लिए बेस्ट रहेगा, बिकॉज यहाँ से जो है पणजी में आपको पास पड़ेगा जो कि मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हर पर्पज़ के लिए। तो उनकी सलाह पे हम यहाँ करमली में उतर गए हैं और अभी स्टेशन से बाहर निकलेंगे, और टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, 11:15 बजे हैं, पर यहाँ का वेदर आप देख सकते हो अच्छी खासी धूप है और गर्मी है दिल्ली के मुकाबले तो, और एटमॉस्फेयर आप ये देखो कितना सुंदर एटमॉस्फेयर है यहाँ का। और अभी तो बाहर निकल के बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है, तो जो लोग ऑलरेडी गोवा और इस एरिया में आ चुके हैं उनके लिए तो खैर नॉर्मल चीज़ है, बट हम जैसे बंदे जो पले बड़े दिल्ली में ही हैं और इतने साल दिल्ली में ही बिता दिए, तो उनके लिए बहुत एक्साइटिंग प्लेस है। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक्सप्लोर गोवा को, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों अभी हम आ गए गोवा के पणजी बस स्टेशन पे और करावली उतरे थे, जैसे कि आपको भी रेलवे स्टेशन पे दिखाया था, वहाँ से हमने ऑटो किया, ऑटो वाले ने 350 रुपये लिए 3 जने के, और कार 13-14 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो उसमें हम आए हैं। टैक्सी वाला 550 रुपये मांग रहा था, तो ऑटो कर लिया, ओबियसली चीप चीज़ें ही हम तो लेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे, तो ये है गोवा का पणजी बस स्टेशन। तो ऑटो वाले ने भी बताया था यहाँ पे भी हमें पता किया था, यहाँ से मापसा के लिए अब हमें बस लेनी है, 20 रुपये वाला, 20 रुपये लगेंगे बस में मापसा तक के बंदा। तो अभी जा रहे हैं मापसा, ऑलरेडी मैंने एक्चुअली अपना स्टे बुक कर दिया है और वो आरंबोल बीच के पास है, तो उसके लिए पहले मापसा जाएंगे यहाँ से बस में, और 20 रुपये लगेंगे लोकल बस में, फिर वहाँ से हम लेंगे आरंबोल के लिए डायरेक्ट कोई बस या जो भी कन्वेंस मिलेगा। तो अभी हम आ गए हैं मापुसा बस स्टैंड पे, पणजी बस स्टैंड से अराउंड 14-15 किलोमीटर था ये भी, और टिकट कॉस्ट थी 20 रुपये, ज़्यादा नहीं लगे, काफ़ी तेज़ धूप है और पसीने आ रहे हैं यहाँ तो। और यहाँ से अब हमें आरंबोल की सीधी बस मिलेगी, ये जो आप लोकेशन देख रहे हो बस स्टैंड की, यहाँ पे ही आएगी, अभी आने वाली है, देखते हैं कितनी देर लगती है वहाँ पहुँचने में। और वहाँ पर हमारा गेस्ट रूम हमने बुक कर ही रखा है, आई थिंक 3 तो बजे जाएंगे पहुँचते पहुँचते और सेटल होते होते, तो आज का दिन तो उसी में ही निकल जाएगा। बाकी ये बस स्टैंड देख लो आप, ये ममता बनर्जी जी का सब जगह वो लगा हुआ है, ममता दीदी का, और कुछ जगहों पे यहाँ पे केजरीवाल जी के भी पोस्टर दिखे कि एक चांस हमें भी दो। तो ये है मापुसा बोल रहा है, तो मापसा बस स्टैंड है यहाँ का। तो एक बार गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं आरंबोल, वहाँ का क्या वाइब है और कैसा रूम है वो फिर आपको वहाँ पे चल के दिखाएंगे, तो के लिए स्टे ट्यून्ड। मापुसा बस स्टैंड पर घूमे, काफ़ी रीजनेबल रेट पे यहाँ पे सारा सामान अवेलेबल है, मिर्ची पाव 10 रुपये, समोसा 10 रुपये, बन 10 रुपये, मतलब 10 से मैक्सिमम रेट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, रोल्स 30 रुपये के हैं। तो पता नहीं गोवा महंगा जो बोलते हैं वो सब सस्ता ही नज़र आ रहा है फिलहाल तो। अभी तो खैर हमने नाश्ता ऑलरेडी पणजी वाले बस स्टैंड पर कर लिया था, अभी तो भूख है नहीं, कुछ चाय पानी देखते हैं अभी। तो दोस्तों फाइनली अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं आरंबोर बीच के पास, यहां से सामने से और इस तरफ राइट में जाके आरंबोर बीच है, तो वहां पे अभी ले चलूँगा। अभी मैं आपको लेकर आया हूं अपने गेस्ट हाउस में जहाँ पर मैं आज रुका हूँ, जहाँ का मैंने बुकिंग करी है, अगले कुछ दिन हम यहीं पे रुकने वाले हैं। तो सिद्ध प्रेरणा गेस्ट हाउस है, बिल्कुल बीच से मुश्किल से 200-300 मीटर होगा अंदर, और काफ़ी बढ़िया यहाँ का वाइब्स हैं, बगल में शॉप भी है, ग्रोसरी शॉप भी है, और सीधी धूप नहीं है, हरी भरी यहाँ पे जो है कवर्ड है सारा, हरियाली भी है और कवर्ड भी है, तो सीधी धूप नहीं आएगी यहाँ पर। और मम्मी पापा के अकॉर्डिंग मुझे ग्राउंड का चाहिए था, तो ग्राउंड का रूम मिल गया है, तो आइए अंदर चलते हैं और देख लेते हैं कैसा रूम है। तो ये सिद्ध प्रेरणा गेस्ट हाउस है, ये एंट्रेंस है इसकी, तो ऊपर भी रूम है यहाँ पे,
बट मैं हमने ऊपर नहीं लिया क्योंकि मम्मी पापा ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे। तो ये रूम है, मम्मी पापा रेस्ट कर रहे हैं और जस्ट अभी आए हैं। सामान अभी कुछ ऐसे ही इधर उधर पटक दिया है। तो ये रूम हमें मिला है 3600 में मिला है, 4 डेज, आज 7th है तो 11th तक के लिए, तो 4 डेज़ के लिए 900 पर डे पड़ा हमें। और रूम में फ़ैन है और आपका एसी भी लगा हुआ है। ट्रिपल बेड है, डबल बेड, सिंगल बेड, और ये इधर वॉशरूम्स हैं खुले साफ़ सुथरे। तो कुल मिला के सब कुछ अंडर बजट है। तो अभी फ्रेश होंगे, रेस्ट करेंगे, देन उसके बाद हम जो है बीच के लिए जाएंगे। आरंबोर बीच है यहाँ से नियर बाय, और फिर वहाँ पे चल के मिलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं वीडियो कॉल पे था, तो कॉल पे अपने फैमिली को दिखाते दिखाते मैं इधर आ गया। तो फाइनली अभी पहुँच गए हैं हम बीच पे, और आरंबोर ऐसे ही कुछ बीच का नाम है। तो ये वो बीच है, काफ़ी अच्छा क्राउड है यहाँ पे। अभी मैंने वाइड एंगल पे लिया हुआ है, आरंबोर बीच का नाम है, और कुछ यहाँ की ऐसी वाइब्स है। बहुत ही बढ़िया वाइब्स है यार। मैं तो अभी एक्चुअली घर से फ़ोन आया था बच्चों का, तो उनको दिखाते दिखाते अभी बस घर से, फर्स्ट टाइम मैं भी बीच पे अभी आया हूँ यहाँ पे आने के बाद। तो काफ़ी अच्छी वाइब्स। तो फाइनली रीच्ड हियर। तो शुरुआत तो यहाँ पे हम कल ही करेंगे अपना एंजॉय करने की। कल क्या, अभी मम्मी पापा को वैसे मैंने छोड़ दिया है रूम पे, वो आज रेस्ट करेंगे, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। वो थोड़ा लुत्फ़ उठाता हूँ इस जगह का, देन विल गो बैक। और कल फिर अर्ली मॉर्निंग से यहाँ पे एक्सप्लोर करना अच्छे से शुरू करेंगे। काफ़ी थक गए थे बट अभी यहाँ की वाइब्स देख के तो पूरा मूड फ्रेश हो गया है, यू कैन सी बिहाइंड मी। और अब सूरज भी ढलने का टाइम हो गया है यहाँ पे, तो फ़िलहाल दोनों तरफ से जो सूरज की रेज हैं वो क्रॉस कर रही है, और फ़िलहाल कुछ ऐसा माहौल। तो स्टे ट्यून्ड, अभी बहुत कुछ होना है, 3-4 दिन यहीं पे रहेंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। जो फर्स्ट टाइमर है, जो कभी गोवा नहीं गए, दे कैन इन्जॉय विद मी। तो दोस्तों अभी हो रहे हैं रात के 8 बजे हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और आरंबोर बीच का नज़ारा कुछ ऐसा है। स्टैक्स सारे ओपन हैं यहाँ पे, और काफ़ी आगे तक यहाँ पे ये सिटिंग एरिया बना दिया है विद कैंडल लाइट, और काफ़ी सारे लोग इंजॉय भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं अभी आया था, मेरा जो रूम है बिल्कुल पास में ही है यहाँ से, मुश्किल से 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है यहाँ से। तो मैं कहा चलो इवनिंग की क्या वाइब्स है चेक करते हैं एक बार चल के। बाकी कल से ही अपना तो डे स्टार्ट होगा यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी वाइब्स है। और काफ़ी दूर तक आप देख सकते हो स्टैक्स और उसकी लाइटिंग वगैरह यहाँ पे है। इवनिंग कुछ ऐसी है आरंबोर पे, मैं तो नज़र ही नहीं आ रहा इसमें। मेरा फेस नज़र आना मुश्किल होगा, यू कैन जस्ट सी दिस, और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी क्या माहौल है दिसंबर में यहाँ पे। और अभी क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे, हालांकि फॉरेनर्स नज़र आ रहे हैं बट उतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, तो इसलिए रेट भी आपको जो है यहाँ पे रीज़नेबल सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, और आपको बहुत ज़्यादा स्काई हाई प्राइसेस नहीं मिलेंगे कुछ भी इंजॉय करने के लिए।